कस्टम बना ले 4v4 और तेरे को अपोनेंट में रहना है, स्क्रिप्टेड ही रहना है, ठीक है? नहीं नहीं एक लड़की है मेरे साइड में, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, जो स्क्वाड है ना उसमें तुझे जाना है। हाँ पूरा स्क्रिप्टेड रहेगा। बड़ा हरामी हो बेटा। अभी जो आप लोगों ने गाइस वॉइस सुना है वो है काल वाइटी का। इस वीडियो में ना गाइस बहुत सारे प्रूफ्स एंड रिकॉर्डिंग है गाइस, जो कि आप लोगों के लिए भी है एंड काल वाइटी के लिए गाइस। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है कुछ दिन पहले का, जब मैं अपनी आईडी से ऑनलाइन नहीं था, मेरा छोटा भाई मेरी आईडी से खेल रहा था। ये बंदा गाइज उसको ग्रुप में ऐड करता है और उसको बोलता है कि भाई चलो एक स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं, जिसमें कि क्या होगा, पहले तुम मेरे से हार जाना और उसके बाद एक दूसरी वीडियो मैं तुम्हारे चैनल के लिए क्रिएट करवा दूंगा जिसमें कि मैं तुमसे हार जाऊँ। तो मेरा भाई सोचता है गाइस क्यों ना वीडियो बना लेना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत दिन से अपने चैनल पर वीडियोस नहीं डाल रहा था और हमारे पास गाइस उतना अच्छा कंटेंट था भी नहीं, इसलिए मैं गाइस वीडियोस नहीं ला रहा था। वो सोचता है क्यों ना गाइस वीडियो बना लेना चाहिए, क्योंकि गाइस इसकी बातें हैं ना जो गाइस ये बहुत सारे बंदों को इसी तरीके से फंसाता है, जिनके पास गाइस सीजन 1-2 के इलीट पास होते हैं या फिर गाइस क्रिमिनल बंडल्स होते हैं या फिर गाइस वो बंदा ग्रैंड मास्टर की रैंक पर हो गाइस, ठीक है? ये उन बंदों से गाइस एक ही चीज़ बोलता है कि भाई तू पहले मेरे से हार जा, उसके बाद मैं तेरे से हार जाऊंगा, ठीक है गाइस? तो इसी बातों में गाइस मेरे भाई को फंसा के ये बंदा क्या करता है गाइस, उससे वीडियो बनवा लेता है, जो कि गाइस इसने कुछ ही दिन पहले अपने चैनल पर अपलोड किया था गाइस मेरे नाम से गाइस, और मेरे को गाइस इसने बंदे ने हराया था। बट गाइस उस टाइम पर मैं अपनी आईडी से नहीं था। आप लोगों को जो वॉइस सुनने को मिल रहा है ये मेरा वॉइस है गाइस अंश गेमिंग का, और गाइस वो जो बंदा था वो मेरा छोटा भाई लक्षु था, ठीक है गाइस? कुछ बंदे उसको जानते भी होंगे गाइस, क्योंकि जिस टाइम पे मैं अपनी आईडी से खेलता नहीं हूँ वही बंदा गाइस मेरी आईडी से खेलता है, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। तो गाइस वो वीडियो क्रिएट करने के बाद ये बंदा गाइस मेरे छोटे भाई को अपना नंबर देता है, फ़ोन नंबर, और बोलता है कि मैं थोड़ी देर में भाई आता हूँ, ठीक है, मैं तेरे लिए वीडियो क्रिएट करा दूंगा। तो मेरा भाई सोचता है चलो ये आ जाएगा, और बोलता है अगर मैं ना आ पाऊँ तो इस नंबर पर फ़ोन कर लेना और मुझे बुला लेना। तो मेरा भाई सोचता है ठीक है चलो कोई ना, थोड़ा देर में आ जाएगा। ये बंदे को गाइस वो कॉल ट्राई करता है थोड़ी देर बाद, ठीक है, अप्रॉक्स गाइस भाई 2-3 आवर्स के बाद, तो ये बंदा गाइस कॉल नहीं रिसीव करता है, और उसके बाद गाइस हम लोग कॉल ट्राई करते रहते हैं, ठीक है, मैं भी आ जाता हूँ गाइस, वो मेरे को पूरी बात बताता है, तो मैं गाइस उसको कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं सोचता हूँ गाइस ठीक है भाई चलो अभी थोड़ी देर में आएगा, बंदा वीडियो बना लेगा। उसके बाद गाइस अगले दिन मैं क्या देखता हूँ, इसने गाइस अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया है और उसमें गाइस इसने बहुत सारा बढ़ा चढ़ा के बातें बोला है गाइस मेरे बारे में। इस बंदे का आईडी आप लोग देख सकते हो गाइस, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है, और गाइस साइड में मेरा आईडी है, आप लोग देखो गाइस, ठीक है, इसका गाइस केडी देखो, मेरा केडी देखो। क्या आप लोगों को लगता है गाइस मैं इसके जैसे बंदे से हार जाऊंगा? इसके साथ मैं रैंक गेम प्ले भी कर चुका हूं गाइस 1-2 बार, भाई साहब इसके एक भी गाइस वहां पर हेडशॉट नहीं लगे थे, ठीक है, और गाइस इसने किल भी नहीं कर पाया था। बट गाइस जब ये कस्टम खेलता है ना भाई, तो पता नहीं गाइस इसके अंदर किसकी आत्मा आ जाती है भाई, कि ये सीधे गाइस हेडशॉट नापता है गाइस हर बंदे का, ठीक है, आप लोगों ने जैसे कि इसकी वीडियो में देखा होगा। तो गाइस मेरी ये बातें सुनकर गाइस जो कि काल वाइटी के बंदे हैं उन लोगों को थोड़ा गाइस दिक्कत हुई होगी, तो भाई रुको जरा सब्र करो, ठीक है, आप लोगों के लिए गाइस थोड़ा सा मैं कुछ लेके आया हूँ। तो गाइस आप लोग देखो ये क्लिप, ठीक है, इससे गाइस आप लोगों को साफ जाहिर हो जाएगा कि ये जितनी भी वीडियोस बताता है ना गाइस सारी स्क्रिप्टेड वीडियो होती है गाइस, ऑल टोटल एक्स का नाम का बंदा रहेगा और तुम्हें स्क्रिप्ट बता देगा क्या है, ठीक है, मैं तुम्हारा एक बंदे को डाउन करूंगा और तुम क्या करोगे मेरे को ना मतलब टीम अप करने लग जाओगे, जैसे मैं तुम्हारा 1-2 बंदे को डाउन करूंगा तुम टीम अप कर लोगे, मैं भी तुम्हारे साथ टीम अप कर लूंगा, उसके बाद क्या होगा तुम ना एकदम चीटिंग करके ना अपने बंदों को रिवाइव करके मतलब मेरे को नॉक करके और रिमोट दिखाओगे, समझ गए? हाँ समझ गया, देखा है वीडियो, फिर मेरे को पूरा क्लियर कर दोगे, उसके बाद मैं आऊंगा पीसी से आऊंगा पक्के में, ठीक है, पीसी से तुम्हें ऐड करूंगा मैं ग्रुप में, समझ गए? और अभी मैं तुमको ना थोड़ी देर के लिए अनफ्रेंड मार देता हूँ, ठीक है, इसकी फ्रेंड लिस्ट में चले जाओ प्राची की, ठीक है प्राची, भेज दिया मैंने इसको, ओ दल्ले ले लिया ना साले निकट्टे। तो देखा आप लोगों ने गाइस कैसे ये अपने बंदे को ग्रुप में खड़ा करके गाइस बोल रहा है, पूरा स्क्रिप्ट गाइस उसको समझा रहा है। इसके चैनल पर गाइस जितना भी वीडियोस है आप लोग देख सकते हो गाइस, सारा स्क्रिप्टेड वीडियोस है। और काल सुन, तेरे लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। आप लोगों के लिए भी गाइस इसने कुछ बोला था मेरे से, ठीक है, तो मैं भी आप लोगों को गाइस वो चीज़ भी दिखा देता हूँ। जब गाइस इसने मेरे लिए वीडियो बनाया था, तो आप लोग बहुत सारे बंदे गाइस मेरे चैनल पर आके कमेंट कर रहे थे कि आप काल वाइटी से हार गए, आपका गेम प्ले अच्छा नहीं है, बहुत सारी गाइस तरह तरह की मेरे बारे में गाइस आप लोगों ने बातें की थी, ठीक है, तो वही चीज़ मैं जाकर इसको बोल रहा था कि काल तेरी खुद की ऑडियंस भाई मेरे को फालतू की चीज़ें बोल रही है, तो जाओ उनको समझा दे भाई, ठीक है। तो जब गाइस मैंने बोला कि काल अपनी ऑडियंस को समझा, तो ये गाइस क्या बोलता है पता है आप लोगों को, गाइस सुन लो, सुन
ये ना तू ऐसे देखेगा ना मेरे पे कमेंट आ रहे, मेरे पे ये वो आ रहे, पढ़े मत कमेंट को। मैं ऐसा ही करता हूँ, मेरे को जितना मर्जी कुत्ते भौंके मैं कमेंट ही नहीं पढ़ता, अपना ग्रोथ चाहिए, चुपचाप ग्रोथ करते जाओ। तो देखा होगा आप लोगों ने गाइज, ये अपनी खुद की ऑडियंस को क्या बोलता है गाइज। हर यूट्यूबर अपनी ऑडियंस के वजह से ही है गाइज, मैं भी खुद की गाइज, मेरी एक छोटी सी ऑडियंस है, मैं गाइज उनको अपनी फैमिली की तरह समझता हूँ और गाइज हर बंदे की बात सुनता हूँ, ठीक है। बट गाइज इसकी नज़रों में आप लोगों की गाइज जो एक इज्जत है वो कुत्तों वाली भाई, बल्कि कुत्ता तो गाइज ये खुद है, क्योंकि डेली ना गाइज इसके यही कंटेंट आते हैं। कभी इसकी गाइस ग्रैंड मास्टर प्लेयरों के साथ लड़ाई हो जाती है, कभी इसके सीजन 1-2 के प्लेयरों के साथ लड़ाई हो जाती है, कभी इसकी गाइस किसी ना किसी नूब बंदे से लड़ाई हो जाती है। तो इसका मतलब कुत्ता तो ये खुद है, क्योंकि कुत्ता ही गाइस बिना मतलब का सबसे लड़ाई करता फिरता है। तो चूतिया आदमी ऑडियंस को कुत्ता क्यों बोल रहा है बे, कुत्ता तो तू खुद। इसका डेली का काम यही है गाइस कि सुबह ऑनलाइन आना, एक अच्छी सी साथ में स्क्रिप्ट तैयार करके लाना और किसी ना किसी बंदे को गाइस अपनी बातों में लेके एक प्यारा सा स्क्रिप्टेड वीडियो बनाना, ठीक है। अगर वो बंदा इसकी बातों में आता है तो ये ऐसे ही वीडियो बना लेता है, वरना काफ़ी बंदों के साथ इसने यही किया है गाइस, उनसे पहले प्यारे प्यारे वादे किए हैं कि तू मेरे से हार जा फिर मैं तेरे से हार जाऊंगा, और फिर गाइस जब वो बंदा इसके से हार जाता है और अपनी अच्छी सी आईडी के गाइस इस जैसे न्यू प्लेयर से हार के बेइज्जती करवा लेता है, उसके बाद गाइस ये उस बंदे से बात तक की नहीं करता है गाइस। मेरे साथ भी इसने यही किया, लेकिन सुन चूतिया आदमी, अपन पे जो हार डालता है अपन उसकी फाड़ डालता है। इस बंदे के लिए गाइस जो कि इसकी खुद की ऑडियंस है, जो कि गाइस इसके लिए कमेंट करती है, वो ये खुद बोलता है गाइस गेम में कि भाई वो कुत्ते हैं, वो भौंकते हैं। तो भाई आप लोग खुद ही देख सकते हो गाइस, मेरा काम सिर्फ इतना था कि मैं इस बंदे की गाइस सच्चाई जो की है, क्योंकि गाइस ये यूट्यूब पर ना बहुत ज़्यादा गाइस हॉनेस्ट बंदा बनता है गाइस, बट मैंने गाइस इसकी पूरी सच्चाई आप लोगों को दिखा दी। अब वो आपका काम है गाइस, आप लोग इसको खुद जाके बोलो या फिर गाइस किसी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से गाइस इसको समझाओ कि भाई ये सब काम बंद कर, कुछ अच्छा काम कर ले, 2-4 पैसे आएंगे घर में, ठीक है, वरना गालियों के सिवा कुछ नहीं खाएगा, ठीक है। या तो मेरे जैसे बंदा आज तक कि तेरे को मिला नहीं होगा। इसने गाइस बहुत सारे बंदों के साथ ऐसा काम किया है गाइस, जो कि क्या ही बताऊं मैं, उनके साथ गाइस कंटेंट बनाया और उस बंदे को फ्रेंडली से ही निकाल दिया कि वो कुछ बेचारा कर भी नहीं सकता है। बट गाइस ये काम ये मेरे साथ भी करता, उससे पहले ना मैंने इसी के साथ कुछ कर दिया, समझा मादर चोद आदमी। दुनिया का झोल समझते लौड़े लग गए, लोगों के चुतिया पोसे दौड़े लग गए, प्यार भी सोचा था कि होगी चैन सबू चोद दीमा।